हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ईएनएन एंड यू आर वाचिंग द सीरीज वोकैबुलरी विद नेमोनिक्स इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस दिस लेक्चर विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। आज का हमारा पहला वर्ड है दोस्तों डिवोट, डिवोट, डिवोट। तो डिवोट वर्ड को आप रिलेट करिए डिवोटी से, डिवोट वर्ड को आप रिलेट करिए डिवोटी से। मतलब कोई भी डिवोटी, कोई भी भक्त की अगर हम बात करें तो वो बहुत डीपली रिलीजियस होते हैं। कैसे होते हैं? डीपली रिलीजियस, ठीक है दोस्तों। तो ये डिवाउट वर्ड का मतलब डिवोटी से रिलेट करके आप याद रखिएगा, डिवाउट मीन्स डीपली रिलीजियस, डीपली रिलीजियस, या कोई डीप सी फीलिंग की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, डीप फीलिंग। दोस्तों आज का सेकंड नंबर का हमारा वर्ड है रिवर्ड, एंड द मीनिंग ऑफ रिवर्ड इज डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन, डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन। अगर आप किसी को बहुत डीपली रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो आप मतलब रिवर्ड, आप इस वर्ड को ऐसे याद रखिएगा, रिवर्ड डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन। हम किसी व्यक्ति की भी बात कर सकते हैं, तो रिवर्ड वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं डीप रिस्पेक्ट फॉर समवन। बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम किसी चीज को, बहुत डीपली रिस्पेक्ट कर रहे हैं किसी को भी, ठीक है। समवन में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। तो रिवर्ड को याद रखिए, रिवर रिवर्ड, रिवर। तो दोस्तों हमारी कंट्री में गंगा रिवर जो है, तो गंगा रिवर को हम सभी क्या करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं गंगा नदी को। इवन गंगा नदी ही नहीं, हमारी कंट्री में तो दोस्तों हम हर नदी को पूजते हैं, हर नदी की पूजा करते हैं, हर नदी को हम एक रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। सो गंगा रिवर इज वेरी रिवर्ड, ऐसे आप याद रखिए, गंगा रिवर इज रिवर्ड फॉर इट्स प्योरिटी, गंगा रिवर इज रिवर्ड फॉर इट्स होलीनेस, ठीक है दोस्तों। रिवर्ड वर्ड को आप ऐसे याद रखिएगा, रिवर जो कि है रिवर्ड, तो रिवर्ड, रिवर, रिवर। हमारी कंट्री में सभी रिवर को हम बहुत डीपली रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम इसका एक एग्जांपल सेंटेंस देखें तो हम ऐसा बोलेंगे दैट, हम बोल सकते हैं दैट महात्मा गांधी इज रिवर्ड फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इंडिया, इंडिया के प्रति उनका कॉन्ट्रीब्यूशन जो भी था उसको हम बहुत डीपली रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। नंबर थर्ड का वर्ड होगा ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर वर्ड साउंड्स लाइक क्योर, क्योर मीन्स किसी चीज को आप क्योर कर रहे हैं, किसी का इलाज। और ऑफ से आप रिलेट करिए ओबेसिटी को, ओबेसिटी को, ओबेसिटी मतलब मोटापा। ओबेसिटी का जो क्योर है ना, ये अभी तक किसी के पास ऐसे आया नहीं है कि कोई मोटा हो ही ना, ठीक है। तो ऑब्सक्योर का भी मतलब होने वाला है नॉट नोन, नॉट नोन। जैसे कि ओबेसिटी का जो इलाज है वो अभी तक किसी को पता नहीं है, डाइटिंग ही करते रह जाते हैं बस, सब एक्सरसाइज और डाइटिंग, कोई इलाज नहीं है उसका, ठीक है। तो ओबेसिटी क्योर इज नॉट नोन, तो ऑब्सक्योर मींस नॉट नोन, नॉट डिस्कवरेबल, सॉरी नॉट डिस्कवर्ड। कोई चीज है इसके बारे में हमको पता ही नहीं है, तो ऑब्सक्योर इससे हम इसे याद रखेंगे। नंबर फोर्थ का आज का हमारा वर्ड होने वाला है दोस्तों कंसीट, कंसीट। कंसीट का जो मतलब होता है ना, वो होता है एक्सेसिव प्राइड, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, ठीक है, किसी में बहुत ज्यादा ही प्राइड होना। तो कंसीट वर्ड के लिए नेमोनिक क्या बना सकते हैं, कंसीट वर्ड के लिए नेमोनिक बनाएंगे हम लोग दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई बहुत वीआईपी है, कोई बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, वो कहीं जाता है किसी फंक्शन में, तो वो बहुत प्राइड के साथ बोलता है, एक्सेसिव प्राइड के साथ वो बोलता है कि कौन सी सीट पे बैठूं, कौन सी सीट है मेरे लिए, वेयर इज माय सीट, कौन सी सीट, अच्छी सीट चाहिए ना उसको, तो कौन सी सीट पे बिठाएंगे आप मेरे को, तो कौन सी सीट, कौन सीट, कौन सीट। तो एक बहुत ही प्राइडफुल आदमी अपनी सीट के बारे में पूछ रहा है कि मैं कौन सी सीट पे बैठूं, कौन सीट, कौन सीट, मतलब हो जाएगा एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ। तो नंबर फिफ्थ पे आज जो हमारा दोस्तों वर्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं वेंडेटा, वेंडेटा, वेंडेटा। एंड वेंडेटा का मतलब होता है दोस्तों रिवेंज, वेंडेटा का मतलब होता है रिवेंज, वेंडेटा का मतलब हो जाएगा रिवेंज से। वेंजियंस भी हम इसको बोल सकते हैं, एक सिनोनिम है इसका, वेंजियंस, बदला लेना। तो दोस्तों इस वर्ड को याद रखिए, वेंडेटा वन देवता। और दोस्तों जिस तरीके से हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं ना, वनों को हम जो काटते चले जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन जो होता जा रहा है, एक ना एक दिन जो वन देवता होंगे ना, जो वेंडेटा होंगे, वन देवता होंगे, वो रिवेंज लेंगे, अपना वेंजियंस लेंगे, ऐसे याद रख सकते हैं इस वर्ड को। दोस्तों आज का सिक्स नंबर का वर्ड है पियर्स, पियर्स।
पीएस का क्या मतलब होता है? पीएस का मतलब होता है प्योर, समथिंग दैट इज प्योर। और धार्मिक चीजों से रिलेट करेंगे तो होली इसको बोल सकते हैं, प्योर होली। तो पीएस वर्ड को कैसे याद रख सकते हैं दोस्तों? ऐसे यहाँ पे हमको क्या सुनाई दे रहा है? पियो। क्या सुनाई दे रहा है दोस्तों? पियो। तो हमें कोई कुछ पीने को दे रहा है और वो प्योर चीज ही वो हमें दे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्योर चीज ही पियेंगे, ठीक है? इम्प्योर नहीं होनी चाहिए वो चीज। पानी अगर हो, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, प्योर होना चाहिए। तो पियोस, पियो कैसा हमको पीते हैं, हम कैसी चीज पियेंगे? हम प्योर चीज ही पियेंगे। तो पियस का यहाँ पे मतलब हो जाएगा प्योर से। और पियस वर्ड थोड़ा रिलीजियसली भी आप अगर इसको देखें तो होली से ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो पियस, पियो, कैसी चीज पियो? प्योर चीज पियो, पियो प्योर चीज पियो, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आज का 7th नंबर का हमारा वर्ड है दोस्तों वैनिटी। और वैनिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइड। वैनिटी का मतलब क्या होगा? फीलिंग ऑफ, आप बहुत ज्यादा प्राइड फील कर रहे हैं, फीलिंग ऑफ एक्सेसिव प्राइड। और पता है आप प्राइड क्यों फील कर रहे हैं इतना ज्यादा? क्योंकि आपने ना वैनिटी वैनी खरीद ली, क्योंकि आप इतने पैसे वाले हो गए हैं कि आप इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि आपने वैनिटी वैनी खरीद ली है, तो आप प्राइड तो करेंगे ही ना। ऐसे याद रखिए इस वर्ड को, वैनिटी वैन लेके आप बहुत वैनिटी फील कर रहे हैं, वैनिटी वैन लेके आप बहुत वैनिटी फील कर रहे हैं। आज का 8th नंबर का वर्ड होने वाला है एग्जॉल्ट। एग्जॉल्ट वर्ड को याद रखेंगे, इसके लिए हम एक स्टोरी बनाते हैं। मान लीजिए कि आपकी एक एक्स थी, मतलब आपकी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसने आपको डिच कर दिया, छोड़ दिया, जैसा भी उसने आपको छोड़ दिया। नाउ आप क्या करने वाले हैं? आने वाले समय में बहुत तरक्की पे पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं, बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे पहुंचने वाले हैं। आप क्या करने वाले हैं पता है? बहुत ज्यादा एल्टीट्यूड पे आप पहुंच जाएंगे, तो आपकी एक्स को आपको पता है क्या करना पड़ेगा? और वो करेगी, क्या करेगी? प्रेज करेगी आपको, प्रेज करेगी। ऐसे याद रखिए, एग्जॉल्ट, आपकी एक्स आपको एग्जॉल्ट करती है, आपकी एक्स आपकी कामयाबी पे आपको एग्जॉल्ट करती है, क्योंकि आप बहुत ऑल्टीट्यूड पे पहुंच चुके हैं। तो एग्जॉल्ट का मतलब हो जाएगा प्रेज, कॉम्प्लीमेंट भी इसको बोल सकते हैं। दोस्तों बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये ट्रिक बनाता हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। 9th नंबर का आज का हमारा वर्ड हैगा पेरिलस। तो पेरिलस वर्ड को याद रखिए, कैसे आपको प्रीवियस सेशन में एक वर्ड मैंने बताया था पेरिल, पेरिल को मैंने आपको याद कराया था, कैसे पता है? पेरिल, अरे यार तुम फिर इल हो गए, तुम फिर पेरिल हो गए, तुम पेरिल फिर इल, पेरिल फिर इल, तुम फिर इल हो गए, तुम पेरिल हो गए, तुम फिर इल हो गए, आप बीमार हो गए बार बार, तो वो आपके लिए बहुत डेंजरस होगा। तो पेरिलस का मतलब भी यहाँ पे दोस्तों क्या होने वाला है? फुल ऑफ डेंजर, फुल ऑफ डेंजर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं वर्ड पेरिलस। आज का हमारा लास्ट वर्ड होगा प्लेकेड। आज का हमारा लास्ट वर्ड होगा प्लेकेड। और प्लेकेड का जो मतलब होता है दोस्तों, प्लेकेड का मतलब होता है प्लेकेड का मतलब होता हैविंग काम अपीयरेंस, हैविंग काम अपीयरेंस, काफी काम आप अपीयरेंस है आपका, बहुत शांत स्वभाव के हम जैसे हम बात कर रहे हैं, हैविंग काम अपीयरेंस। तो इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो ऐसे देखिए कि प्ले का मतलब होता है खेलना, प्लेसिड, प्ले किड आप बोलिए इसको, किड, किड आप इसी बच्चे से रिलेट करिए। तो कोई बच्चा खेल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहा है, तो बच्चा कैसा दिख रहा है? बहुत काम दिख रहा है ना। छोटे, बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं वो बहुत काम अपीयरेंस होता है उनका, है ना? ऐसे आप याद रखिए, प्ले किड, प्ले किड, खेलता हुआ बच्चा, बहुत ही काम अपीयरेंस होगा उसका। तो ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले नए 10 वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड प्लीज शेयर लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, सो दैट आपको हमारे आने वाले टाइम में सारे वीडियोस मिलते रहें टाइम पे, और अपनी वोकैबुलरी को आप ऐसा ही इंक्रीज और एनहेंस करते रहें।